खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चावल, जिसे मैंने 100% बना लिया है, ये 100% गल चुका है। एक एप्पल जिसे मैं कद्दूकस करूंगी, कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे, और ये ऑलरेडी मीठा होता है इसलिए शक्कर बहुत कम, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चीनी लिया है, और ये बे लीफ छोटा सा, और 1/2 kg फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है। ड्राई फ्रूट में हम लोग लेना है गरी, जिसे खोपरा भी कहते हैं, पिस्ता, 5 से 6 पिस्ता है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, किशमिश, काजू 5 से 6 उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 इलायची और आलमंड उसे भी मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, और ये है केसर थोड़ा सा, इससे कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनता है इसके डालने से। चलिए अभी मैं दूध उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है, 75% जब रहेगा उतना ही रखना है, और एप्पल को धोकर मैं इसका कद्दूकस करूंगी। तो एप्पल को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे अब मैं चीनी के साथ पकाऊंगी। इसके लिए मैंने पैन लिया है, पैन में ये कद्दूकस किया हुआ एप्पल और ये शक्कर डाल के इसे मैं पकाऊंगी, जब तक ये बिल्कुल दोनों सूख ना जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर एप्पल को डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो दूध फटने का डर रहता है, इसमें एसिड होता है, इसलिए इसे पहले मैं पका लूंगी अलग से, उसके बाद दूध में मिलाऊंगी। इसे ड्राई करने के लिए अभी फ्लेम में छोड़ देती हूँ, और इसमें दूध, ये देखिए दूध 75% हो गया है। अब इसमें ये बॉईल किया हुआ राइस डाल दूंगी, चावल ये लगभग पक गया है। इसमें मैं डालूंगी बेली, और
और केसर और पूरा इलायची को हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। और इधर है जो मेरा एप्पल, बिल्कुल कैरेमलाइज हो गया है, आपको दिख रहा है। ये एप्पल बिल्कुल कैरेमलाइज हो गया है, बस इस तरह करना है इसको। अब इसको हम दूध में डाल देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल चीनी के साथ बिल्कुल मिल गया है, इसे आप दूध में डाल दें। और इसे अच्छे से मिला लें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा खीर लगभग तैयार हो रहा है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कटे हुए आलमंड, आधा काजू, आधा किशमिश, जो मैं आधा रख रही हूँ सब डेकोरेशन के लिए रखूंगी, आधा पिस्ता और ये गरी जिसे खोपरा भी कहते हैं, और ये जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसे मैं ऊपर सजाने के लिए रख लेती हूँ। और एक बार आप टेस्ट करके देख लीजिए कि मीठा ठीक है, नहीं तो ऊपर से आप अभी भी चीनी डाल सकती हैं। अभी मैं चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मुझे कंडेंस मिल्क भी डालना है। मैंने बोला था 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, अब डाल रही हूँ मैं। डालने के बाद मीठा बिल्कुल आप चेक कर सकती हैं कि अभी आपको और शक्कर डालने की जरूरत है। ये देखिए एप्पल खीर बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे आप गरम गरम या ठंडे भी खा सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपको टेस्ट करने के बाद चीनी कम लगता है तो थोड़ा शक्कर अभी भी आप डाल सकती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे ही रहने दीजिए। शक्कर मैंने अपने अकॉर्डिंग डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसे मैं निकाल लूंगी। बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स थे इसके ऊपर सजा दें। ये देखिए आपका डिलीशियस एप्पल केक तैयार हो गया, अपने घर में बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताएं कि ये कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you.